हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम सिंह और आप देख रहे हैं लेटेस्ट वीडियो गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डीडी किस, डीडी म्यूजिक और डीडी मूवीज़ के बारे में। क्या वाकई में दूरदर्शन इस चैनल को लॉन्च करने वाला है, और लॉन्च करेगा तो कब लॉन्च करेगा, और क्या इस पर शो आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मेरी कभी भी वीडियो आएगी तो आपको सीधा नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो जाएगी और आप बड़े आराम से फ्री में देख पाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके अगली वीडियो बनाने में, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बड़ा ही छोटा है आज का दोस्तों। तो असल बात पे हम आते हैं कि डीडी किड्स के बारे में और डीडी म्यूजिक और डीडी मूवीज कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों, आपने तो पहले से सुना होगा डीडी किड्स के बारे में कि डीडी किड्स लगभग 2.5 से 3 साल पहले दूरदर्शन के तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि डीडी किड्स को हम लॉन्च करेंगे, तो आज तक वो लॉन्च अभी तक नहीं हुआ है। तो पहली बात मैं डीडी किड्स की बात बता देता हूँ, आखिर वो आज तक वो लॉन्च क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज अभी तक इसलिए उसको लॉन्च नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक उसको जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि हम अपने चैनल पर कोई भी चलाएंगे तो उसके लिए हमको अलग से किसी भी चैनल का, मान लीजिए कि जैसे डोरीमोन है तो डोरीमोन डिज्नी चलाता है, लेकिन डोरीमोन कहाँ की कार्टून है, जापान की कार्टून है। जापान की कोई वहाँ की कंपनी जो रहती है, जो लिखने वाली कोई भी वहाँ की चैनल होंगे, उससे राइट्स लेके आज तक डिस्नी पे प्रसारित किया जा रहा है, जब तक डोरेमोन आया है डिस्नी और हंगामा पे। हंगामा पे अभी तो बंद कर दिया गया और डिस्नी पे दिखाया जाता है दिन भर। तो दोस्तों, इसी प्रकार डीडी किड्स को भी बहुत सारे कार्टून के राइट्स लेने पड़ेंगे। राइट्स लेने का ये हुआ कि अपने चैनल पे वो आराम से दिखा पाएगा, ऐसा तो नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए एक दो ले लिया और उसी को एक दो को दिन भर दिखाता है तो लोग कब तक देखेंगे और कितने शो दिखाएगा वो, ये भी होता है। तो इसीलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर जब भी मिलता है, जैसे कि मान लीजिए 5 से 6 अगर कार्टून के राइट्स मिल जाते हैं तो आराम से वो दिन भर दिखा सकते हैं। अगर 2-2, 3-3 घंटे भी कि अगर एक शो दिखाते तो आराम से दिन निकल जाएगा। और लोग ज़्यादा करके यही देखते हैं कि जैसे कि आप डिज्नी पे भी देखेंगे तो दिन भर डोरेमोन ही चलाया जाता है, 1-2 शो को घुमा घुमा के दिन से दिन करके पूरी दिन निकाली जाती है। तो इस प्रकार इस पर भी हो सकता है कि डीडी किड्स को जब भी राइट मिल जाए कोई भी कार्टून के, इंडियन कार्टून हो चाहे बाहर के सीरीज के कार्टून रहते हैं उसके भी राइट्स मिल जाए, तो जल्दी आपके लिए डीडी किड्स आरंभ किया जा सकता है। कौन कार्टून से कार्टून आएंगे अभी तक तो हमें पता नहीं है कंफर्म, लेकिन आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे कार्टून शुरू कर दिए जाएंगे। और पहले से भी राइट्स है उनके पास थोड़े से, जैसे कि जंगल बुक हो गया वो चलाए करते थे, भीम हो गया था वो भीम चलाए थे कॉपी राइट लेके पोगो से, तो उसी प्रकार वो कुछ और कर सकते हैं डीडी किड्स के लिए। तो दोस्तों, हम दूसरी बात पे आते हैं डीडी म्यूजिक के बारे में और डीडी मूवी। तो क्या डीडी म्यूजिक और डीडी मूवीज आने वाला है? तो दोस्तों, मैं साफ साफ बता दूँ, अभी तक ऑफिशियल कहीं भी स्टेटमेंट नहीं आया है दूरदर्शन की तरफ से कि हम आपके लिए चैनल लेके आ रहे हैं डीडी म्यूजिक और डीडी मूवी। आखिर आएंगे भी तो किस प्रकार से योजना हो के आ सकते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में मान लीजिए अगर लाता भी है तो दूरदर्शन तो यही सोच के लाएगा, क्योंकि हर चैनल के आपने देखा जैसे कि जी मीडिया हो गया, सोनी का हो गया, तो इन लोग जो रहते हैं बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स, ये अपने चैनल को 2 से 3 कैटेगरी में लेके आते हैं। मान लीजिए अगर सोनी का है तो सोनी है तो उसका रिब्रांड जो सक्सेसर पुराना वाला है सोनी पल है, ऐसे करके क्या करता है कि उसके जो मूवी रहते हैं और सीरियल रहते हैं पुराने अपने पीछे वाले चैनल पे दिखाता है, जैसे कि सोनी पल आता है। लेकिन आज तक देखिए कि डीडी नेशनल है हो गया है, उसी पर आपके लिए सीरियल भी प्रसारित कर जाते हैं और कभी कभी मूवी भी प्रसारित की जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कि डीडी मूवीज आ जाए और उसके ऊपर आपको खाली पिक्चर दिखाया जाए, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया दोस्तों, ऐसा हो सकता है। डीडी म्यूजिक की बता दूँ तो डीडी म्यूजिक भी आ सकता है जब लॉन्च करना चाहेंगे, क्योंकि लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अलग से एक प्रोग्राम दिखाना एक ही इसके ऊपर वो उनके लिए सेपरेट अच्छा रहेगा। अगर डीडी म्यूजिक आता है, डीडी मूवीज आ जाता है तो ये बड़े अच्छे चलेंगे, इसके ऊपर आपको पुराने भी देखने के लिए मिल सकते हैं और नए भी मूवी दिखाए जा सकते हैं। और डीडी म्यूजिक है तो डीडी म्यूजिक पर आपको बहुत सारे म्यूजिक दिखा दे और ये फ्री होगा तो सब में उपलब्ध कराया जाएगा।
अब तो ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में, लॉन्च कर सकते हो, लॉन्च तो करना चाहिए उनको। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएगा क्या ये सब चैनल आना चाहिए, और आपको कौन से सब फेवरेट आपका चैनल है डीडी फ्रीडिस, वो भी कमेंट करके बताएगा, और वीडियो कैसा लगा है उसके बारे में भी आप मुझे राय दे सकते हैं। और दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।